तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले शानदार टॉपिक की तरफ, जो दो कंपनी को एक साथ पढ़ाएगा, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। राइट, देखिए पहले प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, है कि नहीं बात? राइट, इसलिए प्राइवेट कंपनी पढ़ते ही आपको पब्लिक कंपनी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट सर, एज सिंपल एज पॉसिबल। प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप, पेड अप पे ध्यान देंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, एक रुपए की जरूरत है, बस एक रुपए की, है कि नहीं बात? कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब अभी है ही नहीं, आप एक रुपए से कंपनी खोल सकते हैं। कंपनीज एक्ट 1956, समझो ध्यान से, कंपनीज एक्ट 1956 में 1,00,000 रुपए प्रिस्क्राइब्ड थी, लेकिन वो इस कंपनी एक्ट में डिलीट कर दी गई। रीजन रीजन ये कि भाई जो प्राइवेट कंपनी खोलते हैं या जो पब्लिक कंपनी बनाते हैं, वो ये कहते हैं सर प्रोप्राइटर, जब मैं फर्म खोलता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए होती, गल्ले में इतने पैसे होने चाहिए, करंट अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, समझो ना बात को। तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के साथ ये जाती क्यों है, क्यों क्यों है ये नाइंसाफी हमारे साथ? तो 2013 कंपनी एक्ट ने बोला जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। राइट, तो कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है, यानी एक रुपए से आप कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर आपके क्या रहेंगे, ट्रांसफरेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जो भी शेयर होते हैं वो आसपास के लोग इकट्ठे करते हैं, इसलिए नाम ही क्या है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाम ही क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लोग, प्राइवेट मतलब आसपास के दोस्त यारी वाले, प्यार मोहब्बत वाले, मम्मी पापा भाई बहन, इनसे पैसे ले लिए जाते हैं। राइट, और शेयर ट्रांसफर यानी शेयर आप इनके बेच नहीं सकते। राइट, तो राइट टू ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर कितने, ये तो आपको पता ही है, कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं हम, जो डिफरेंस पढ़ते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, सर मैक्सिमम होते हैं 200। तो मिनिमम कितने होंगे प्राइवेट कंपनी में, सर मिनिमम शेयर होल्डर होते हैं 2, और 200 क्या है, 200 है मैक्सिमम। बात समझ में आ चुकी होगी, वे 2 or more persons होल्ड। और एक और बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी में लिख लो, अगर 2 लोगों ने मिलकर, है ना, अगर 2 लोगों ने मिलकर शेयर लिया है, एक शेयर लिया है तो वो एक मेंबर ही माने जाएंगे, क्या माने जाएंगे, एक मेंबर माने जाएंगे। ठीक है जी, बात आई होप बात बिल्कुल घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। यानी कि आपने अपने भाई के साथ मिलकर, है ना, राइट, भाई 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 बहन ने मिलकर एक शेयर खरीद लिया रिलायंस का, तो आप 2 मेंबर नहीं होंगे कि भैया मैं, मेरा भाई, हम 2 मेंबर हो गए, मैं और मेरा भाई एक ही मेंबर माने जाएंगे अगर हमने ज्वाइंट ओनरशिप में शेयर लिए हैं। वही बात लिखी है बहुत ही प्यार से। ठीक है जी, बात क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वे 2 or more persons होल्ड 1 or more share। ठीक है, नहीं एक शेयर ले रखा है, एक से ज्यादा शेयर ले रखे हैं, लेकिन ज्वाइंट में ले रखे हैं, राइट, दे शेल फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज ट्रीटेड एज सिंगल पर्सन, उन्हें क्या माना जाएगा, सिंगल मेंबर, सिंगल शेयर होल्डर ही माना जाएगा। ठीक है, अब सबसे मजेदार बात यह आती है, सबसे मजेदार बात जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत बच्चों को, है ना, बेचारे झूलते रहते हैं, राइट, दिमाग दौड़ाते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको झटपट समझ में आएगी बात। लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हु आर इन एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो उस प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, या फिर पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट, क्या हाईलाइट करेंगे, फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट, जो 2 मैंने ब्रैकेट बनाए हैं, आप भी अपने नोट्स में ये 2 ब्रैकेट बनाएंगे, यानी पहले जॉब करता था, यानी जॉब उस प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, सर बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कौन ऑफ द कंपनी, कंपनी कौन सी, हम कौन सी कंपनी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ रहे हैं, वर मेंबर ऑफ द कंपनी, अगली खतरनाक बात, जो कंपनी में जॉब कर रहा है या फिर जो कंपनी में जॉब कर रहा था, वो क्या है, वो जॉब करने वाला
या जॉब कर रहा था वो क्या है? मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। भैया वो शेयर होल्डर थे या वो शेयर होल्डर हैं कंपनी के इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब जॉब करते थे तो शेयर होल्डर थे, जब जॉब छोड़ दी उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ मेंबर, यानी उनके पास अभी भी वो शेयर है। सबसे खतरनाक लाइन क्या लिखी है? शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर, यानी उन्हें उन्हें मेंबर्स के लिमिटेड नंबर में जोड़ा नहीं जाएगा। उन्हें मेंबर के लिमिटेड नंबर में, लिमिटेड नंबर कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? सर यहां मतलब हुआ मैक्सिमम 200 है, ठीक है जी। मैं प्राइवेट कंपनी में 200 मैक्सिमम शेयर होल्डर को जोड़ सकता हूं, तो उन्हें 200 मैक्सिमम नंबर की लिमिट में जोड़ा नहीं जाएगा। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ 200 मेंबर। किन दो लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा? एक जो अभी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है और उन्होंने शेयर भी ले रखे हैं, या जो पहले कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, जॉब करते थे और रिटायरमेंट के बाद भी शेयर ले रखे हैं, उन दोनों कैटेगरी के लोगों को हम 200 मेंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अगर बात घुटनों तक पहुंच चुकी है तो ये गाना गाते हुए मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। क्या लिखा है? घपला लिमिटेड हैविंग टर्नओवर 500 करोड़। घपला है तो इतना तो बनता ही है। शेयर होल्डर सा 20। शेयर होल्डर कितने है ना? सॉरी एक गलती हो गई है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी बड़ी गलती होती रहती है। चलो डेटा यहां पर क्या लिखेंगे? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड नहीं प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड हो गया तो वो कहां चला जाएगा? पब्लिक कंपनी बन जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो घपला प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टर्नओवर 500 करोड़, शेयर होल्डर कितने हैं? उस प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं 20। इंप्लॉय कितने हैं? 2000 इंप्लॉय हैं। खतरनाक बात सुनो, सारे के सारे 2000 इंप्लॉय क्या बन चुके हैं? शेयर होल्डर बन चुके हैं। अब आप बताओ क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वैलिड प्राइवेट लिमिटेड है या नहीं है? सोच समझ के जवाब दें। हिंट देता हूं, हिंट, टोटल अब कितने हो गए? टोटल शेयर होल्डर यानी कि टोटल मेंबर अब हो चुके हैं 20 तो शेयर होल्डर है और 2000 इंप्लॉय हैं जो अब शेयर होल्डर बन चुके हैं। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 20। मैक्स कितने हो सकते हैं? मैक्स कितने अलाउड है? सर मैक्स अलाउड है 200। मैक्स अलाउड है 200 अलाउड। अब आपको जवाब देना है सोच समझ कर, वैलिड प्राइवेट कंपनी और नॉट अ वैलिड प्राइवेट कंपनी। बताइए भाई और मानो बताइए, सर 200 से ऊपर निकल गए, 2000 पहुंच गए तो वैलिड प्राइवेट कंपनी नहीं है, लगा लो काटे नलायको, ये वैलिड प्राइवेट कंपनी है। अभी क्या पढ़ाया? अभी हमने पढ़ा 200 मेंबर्स में है ना, 200 मेंबर्स में कौन से नहीं जोड़ने, कौन से नहीं जोड़ने? जो इंप्लॉयमेंट में है उन्हें नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, समझ में आई ना बात? तो एम्प्लॉयमेंट वाले शैल नॉट इंक्लूडेड इन मेंबर, और जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे और एम्प्लॉयमेंट छोड़ के अभी भी शेयर ले रखे उन्हें भी हम नहीं जोड़ते, राइट। तो यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट में है उन्हें नहीं जोड़ा जाता। तो मेंबर कितने? मेंबर है 20, और जो 2000 मेंबर जो नए बने हैं, 2000 मेंबर जो नए हैं अब हमारे, जो क्या है? एम्प्लॉय है। तो जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर है उन्हें हम कंसिडर नहीं करते। तो राज की बात क्या सामने आई? एम्प्लॉय शेयर होल्डर, एम्प्लॉय शेयर होल्डर नॉट टू बी कंसीडर। जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर है उसे कंसीडर नहीं करना। तो एम्प्लॉय शेयर होल्डर कितने हो गए? एम्प्लॉय शेयर होल्डर हो गए 2000, उन्हें तो गिनना ही नहीं है। तो अब कितने रह गए? एक्चुअल में 20 रह गए। तो आंसर क्या होगा? इट इज अ वैलिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आई होप बात बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ चुकी है। अगला केस देखो, इसी से रिलेट करता है अगला केस, ध्यान से सुनेंगे क्या कहता है अगला केस। कह रहे भाई साहब, इन द अबव केस आउट ऑफ 2000 इंप्लॉय, जो 2000 इंप्लॉय है
जो 2000 इंप्लॉय अभी अभी है ना शेयर होल्डर बन चुके हैं, उनमें से 1500 ने रिटायरमेंट ले लिया, कंपनी छोड़ के चले गए, कंपनी छोड़ के चले गए, राइट। इज इट स्टिल अ वैलिड प्राइवेट लिमिटेड, क्या अभी भी ये वैलिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, बताओ, बोलो, सोच समझ के जवाब दो। यानी कि क्वेश्चन बदल चुका है, क्वेश्चन पता कहां पहुंच चुका है, क्वेश्चन पहुंच चुका है नलायको यहां पर, ठीक है जी, कहां पर, फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट में जो थे, यानी कि जो छोड़ के चले गए, छोड़ के जाने के बाद क्या है, वो अभी भी क्या है, मेंबर है, यानी अभी भी शेयर होल्डर है, तो उन्हें भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यही बात तो है, 1500 छोड़ के चले गए, 1500 छोड़ के चले गए, है कि नहीं बात, राइट। और अभी भी क्या है, वो अभी भी शेयर होल्डर है, तो उन्हें भी कंसिडर नहीं करना। यानी कि सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, सॉल्यूशन कैसे करूंगा नलायको, टोटल मेंबर 2020, ठीक है, इसमें से 1500 इंप्लॉय जिन्हें हम क्या बोलेंगे, फॉर्मर इंप्लॉय जो कंपनी को छोड़ के चले गए, उनके पास शेयर है, उन्हें हम कंसीडर नहीं करते। तो फॉर्मर इंप्लॉय माइनस करंट इंप्लॉय लिखते जाना साथ साथ, फॉर्मर इंप्लॉय माइनस कर दो, करंट इंप्लॉय कितने बचे, टोटल इंप्लॉय कितने थे, टोटल इंप्लॉय थे सर 2000 में से 15 चले गए, उन 15 को माइनस कर दिया, अब कितने बचे 500 भी माइनस कर दिए, ठीक है। अब कंपनी में कितने मेंबर रह गए, टोटल में से ये माइनस कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए 20, और 20 रह गए तो 200 से कम हुए नहीं हुए सर, 200 से कम हुए तो क्या आंसर देंगे, हम आंसर देंगे इट इज अ वैलिड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आई होप बात बहुत शानदार जानदार तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी कि रट्टेबाज बच्चे कोई नहीं है, रट्टेबाज बच्चे जो भी हैं वो क्या याद कर सकते हैं सर, वो याद कर सकते हैं क्या, टोटल मेंबर यानी टोटल शेयर होल्डर माइनस करंट इंप्लॉय माइनस फॉर्मर इंप्लॉय, ठीक है जी बात, करंट इंप्लॉय जिनके पास शेयर होल्डर है, शेयर होल्डिंग अभी भी रख रखी है, फॉर्मर इंप्लॉय जो इंप्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी क्या है, शेयर होल्डर बने हुए हैं, जो नंबर आएगा वो नंबर कितने से कम होना चाहिए, लेस देन 200 या कह दो अप टू 200 होना चाहिए, या फिर आप ऐसे लिख दो वो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। आई होप फॉर्मूला रटने से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, टोटल मेंबर माइनस करंट इंप्लॉय जिनके पास शेयर है माइनस फॉर्मर इंप्लॉय जिनके पास शेयर है, जो वैल्यू आएगी वो 200 से ऊपर नहीं होने चाहिए, तो आप वैलिड प्राइवेट कंपनी माने जाएंगे। आई होप बात बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं, और ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तीसरा और आखिरी पॉइंट प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटी, यानी कि शेयर को सब्सक्राइब कराने के लिए एड वगैरह पब्लिक को इनविटेशन नहीं देगी, यानी प्रोस्पेक्टस है ना, प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती कि भैया हमारा प्रोस्पेक्टस ले लो, जगह जगह पे एड दे दिया कि भैया हमारा आईपीओ निकलने वाला है, आप हमें सब्सक्रिप्शन मनी दें, फिर हम आपको प्रोराटा बेस पे बांटेंगे, है कि नहीं बात, जो अकाउंट में करते हो, ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, उन्हें तो प्राइवेट लोगों से पैसे इकट्ठा करना पड़ता है, घर परिवार वाले लोगों से, राइट। बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं बिना किसी टेंशन के। देखो क्या लिखा है प्राइवेट कंपनी की सिग्निफिकेंट पॉइंट जो आप अच्छे से जानते हैं, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, यानी एक रुपए से कंपनी शुरू हो सकती है, मिनिमम दो, ठीक है। लेकिन एक बात जो हमने ओपीसी में पढ़ी थी, ओपीसी भी तो क्या है, ओपीसी भी तो प्राइवेट कंपनी ही होती है, हाँ सर याद आ गया, लेकिन ओपीसी में एक ही होता है, मैक्सिमम 200, राइट, मैक्सिमम 200, खतरनाक बात, जो क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया आपको, उसमें से क्या माइनस कर देना, इंप्लॉय कम मेंबर एंड फॉर्मर इंप्लॉय कम मेंबर, यानी कि जो इंप्लॉय भी है और शेयर होल्डर भी है, फॉर्मर ही इंप्लॉय थे और अभी भी शेयर होल्डर है, शेयर को आप आसानी से बेच नहीं सकते, इन्विटेशन नहीं दे सकते, यानी प्रोस्पेक्टस प्रिंट नहीं कर सकते,
अभी जो आगे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट स्मॉल कंपनी का, एक्चुअली में स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, राइट। और ओपीसी जो भी बनती है वो प्राइवेट कंपनी ही कहलाई जाती है, ओपीसी पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती। पब्लिक कंपनी में तो पब्लिक का पैसा लेना है, तो ओपीसी तो क्या करता है, वन मैन आर्मी की तरह काम करता है, राइट। तो वो हमेशा प्राइवेट कंपनी ही कहलाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अब भैया हुआ क्या, हुआ ये कि जब प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट आया तो हमारे लॉ ने उसे दो भाग में तोड़ा। कितने पार्ट में तोड़ा सर? सर टू पार्ट्स में ये तोड़ दिया गया। देखो क्या लिखा है, लॉ ने प्राइवेट कंपनी को दो हिस्सों में ब्रेक किया। एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाई, ठीक है जी, एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाई जो आप जानते हैं। दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, स्मॉल कंपनी, स्मॉल छोटी छोटी, है ना, स्मॉल कंपनी। ये वो वाले स्मॉल नहीं है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, है कि नहीं बात, वो वाली बात नहीं करना, राइट। स्मॉल कंपनी, तो भैया स्मॉल अगर कंपनी की बात करें तो वो भी प्राइवेट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक का नाम प्राइवेट कंपनी रख दिया और एक स्मॉल कंपनी रहने दिया। अब बात आई सर स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी, जो आपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, उसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने का क्राइटेरिया ये दिया गया, क्या बोला, स्मॉल कंपनी जो खुद प्राइवेट कंपनी भी कहलाई जाएगी, दो नाम हो जाएंगे, अगर अगर उस कंपनी की कैपिटल 50 लाख तक है, क्या लिखा है मैंने, अप टू 50 लाख, इसको और कैसे पढ़ सकते हैं, नॉट मोर देन 50 लाख, यानी 50 लाख से ऊपर नहीं है, 50 लाख तक है, इसलिए साथ में मैंने ये बात भी लिख दी ताकि कंफ्यूजन ना हो, नॉट मोर देन 50 लाख, राइट। या फिर टर्नओवर, टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है, अप टू 2 करोड़ तक हो सकता है। अगर किसी भी कंपनी के साथ ये क्राइटेरिया फिट होते हैं तो हम उसे स्मॉल कंपनी एज वेल एज, स्मॉल कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी भी बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर? फिर प्राइवेट कंपनी को सिर्फ प्राइवेट कंपनी कब बोला जाएगा, स्मॉल नहीं बोला जाएगा, अगर भैया पेड अप कैपिटल है ना, अगर मान लो किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 20 करोड़ है, कितनी है 20 करोड़, राइट, या फिर टर्नओवर, या फिर टर्नओवर 50 करोड़ है और उसका रजिस्ट्रेशन किस नाम से हुआ है, द कंपनी इज रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, सभी को समझ में आ रही है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन ही कैसे करेगा प्राइवेट लिमिटेड, तो वो इतने बड़े अमाउंट पर भी क्या कहलाई जाएगी, इतने बड़े अमाउंट पर भी वो प्राइवेट लिमिटेड ही कहलाई जाएगी। लेकिन लेकिन अगर अमाउंट यहां तक पहुंचा हुआ है, अगर अमाउंट वो यहां तक पहुंचा हुआ है तो उसको प्राइवेट कंपनी एज वेल एज स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी एज वेल एज स्मॉल कंपनी हो जाएगी, जैसे तुम्हारे दो नाम है ना, ठीक है, तुम्हारे जैसे दो नाम है भैया, किसी बंदे का स्कूल का नाम सौरभ और घर का चिंटू, है कि नहीं बात, लड़की का स्कूल का नाम सुरभि, राइट, और घर में गुड़िया, ठीक है, होता है नहीं होता ऐसा, राइट। तो भैया बिल्कुल उसी तरीके से एक कंपनी के दो नाम रख दिए गए, क्या, कि भैया एक कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लेकिन उसका क्राइटेरिया यहां पे फिट होता है तो वो प्राइवेट के साथ साथ स्मॉल कंपनी भी मानी जाएगी। अब ये पेड़ क्या बन रहा है सर, पेड़, सर ये पेड़ में क्या लिखा आपने, अब देखो ये ट्री क्या कहता है, ये ट्री कहता है कि पेड ऑफ कैपिटल कितनी है 50 लाख और अमाउंट प्रिस्क्राइब, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी या जो लॉ में प्रिस्क्राइब करा जाएगा बाद में, अभी तो कितनी है, अभी तो 50 लाख है, मान लो, मान लो आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ये अमाउंट लोगों को छोटा लगने लगा, 50 लाख टुच्ची बात है ये तो, है कि नहीं बात, तो क्या होगा, तो 50 लाख से बढ़ाकर वो कितना कर देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे लॉ की अमेंडमेंट क्या होगी, उस टाइम पे लॉ की अमेंडमेंट होगी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जिनकी जिनकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है, तो वहां क्या हो जाएगा 3 करोड़, राइट। तो आप इतना बढ़ा सकते हैं जब आप प्रिस्क्राइब करना चाहें, जब गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करना चाहे तो 50 को बढ़ाकर 1 2 3 4 करोड़ कर सकती है, लेकिन किससे ज्यादा नहीं कर पाएगी, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर पाएगी। यानी फॉर एग्जांपल आज से 20 साल के बाद प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन को, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को चेंज करने का वक्त आया, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में वो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 5 करोड़ होगी, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर नहीं होगी, यानी 6 करोड़ नहीं होगी। सिमिलरली बात, सिमिलरली क्या है, यहां पे लिखा है अभी टर्नओवर कितना होना चाहिए 2 करोड़, राइट, पेड़ में क्या लिखा है,
और अमाउंट प्रिस्क्राइब, या जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा लॉ में, ठीक है ना, इस कंपनी की डेफिनेशन में, लेकिन जो अमाउंट लॉ में इस कंपनी की डेफिनेशन प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज लाना होगा, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज लाना होगा। तो कानून बनाने वाले क्या लिखेंगे, कानून बनाने वाले लिखेंगे स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जिसका टर्नओवर अप टू 15 करोड़, 18 करोड़ या 20 करोड़ होता है, ठीक है ना, लेकिन 20 करोड़ से ऊपर नहीं लिख सकते। तो क्या लिखा है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में, क्या लिखा है, टर्नओवर 2 करोड़ है और में भी प्रिस्क्राइब, या फिर हम उसे और प्रिस्क्राइब कर देंगे 2 करोड़ से ज्यादा, लेकिन वो प्रिस्क्राइब कितने से ऊपर नहीं जाएगा, 20 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, 50 लाख और 2 करोड़ ही है। प्रिस्क्राइब अगर करना चाहेंगे आज से 4-5-10 साल के बाद तो वो बढ़ा सकते हैं, और वो कितना बढ़ा सकते हैं, 5 करोड़ या टर्नओवर 20 करोड़। लेकिन फिलहाल के लिए बस हमें थ्योरिटिकली ये याद रखना है, और प्रैक्टिकली आप किसी को सलाह दोगे तो ये दोगे, भाई तुम क्या हो, प्राइवेट एज वेल एज स्मॉल कंपनी, क्योंकि तुम इस क्राइटेरिया में फिट होते हो। आई होप बात बहुत डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं, जी जान लगा के मैंने ये बात आपको समझा दी है। तो एक बार जान लेते हैं सर लॉ में कैसे लिखी है ये बात, स्मॉल कंपनी स्मॉल, ठीक है जी, क्या लिखा है स्मॉल कंपनी में, देखो क्या लिखा है, स्मॉल कंपनी गिव्स अंडर सेक्शन 285 ऑफ द कंपनी एक्ट, विच मींस, अब सुनना ध्यान से, विच मींस अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी कि स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब स्मॉल कंपनी जो बनेगी वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनेगी, ठीक है जी बात, राइट, जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी, जिसकी पेड अप कैपिटल होगी नॉट एक्सीडिंग यानी 50 लाख तक, और हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, और वो हायर अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है जी बात, यही मैं आपको बता चुका हूं। एंड साथ की साथ, यानी एंड का मतलब होता है लॉ में प्लस, ये दोनों क्या गाना गाते हैं, ये दोनों गाना गाते हैं हम साथ साथ हैं, ठीक है जी बात, इन दोनों को साथ साथ प्रूफ करना है। टर्नओवर की बात आ गई, टर्नओवर कितना जाएगा, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ और हायर अमाउंट जो प्रिस्क्राइब्ड करा जा सकता है, जो कितने से ज्यादा नहीं होगा, 20 करोड़, ठीक है जी बात। अब स्मॉल कंपनी का सेक्शन, स्मॉल कंपनी की ये बातें किसके ऊपर नहीं लगती, स्मॉल कंपनी की ये बातें होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कॉन्सेप्ट पे नहीं लगती, ठीक है ना, जो सेक्शन 8 की कंपनी, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर नहीं लगती, यानी कि वो कंपनी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट, या फिर वो कंपनी या वो बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट में गवर्न होती है। याद है क्या, स्पेशल एक्ट में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है ना, LIC इंश्योरेंस एक्ट, जिसमें मैंने आपको LIC का एग्जाम्पल दिया था, और तीसरा बैंकिंग एक्ट, जिसमें मैंने आपको HDFC है ना, SBI का एग्जाम्पल दिया था। तो अगर उस स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी बनाई जाती, क्योंकि वो भी तो कंपनी है, तो इन तीनों के ऊपर ये वाले कॉन्सेप्ट, इन तीनों के ऊपर ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि इनके सेपरेट सेक्शन दे रखे हैं, होल्डिंग सब्सिडरी जो हमने जस्ट अभी पढ़ा, इनके सेपरेट सेक्शन है, तो ये अपने सेक्शन के हिसाब से चलेंगे, सेक्शन 8 अपने हिसाब से चलेगा, और ये स्पेशल एक्ट वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस बैंकिंग, ये अपने हिसाब से चलेंगे। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आप आसानी से लिख पाएंगे, राइट। अब आती है बात पब्लिक कंपनी, ठीक है जी, पब्लिक कंपनी क्या कहती है, राइट, अब भैया पब्लिक कंपनी में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बच्चों वाली बातें हैं, पर उससे पहले देख लेते हैं, अब ये पॉइंट दोबारा लिख दिया, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50, ये कोई बताने वाली बात है सर, टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं, शुड नॉट सेक्शन 8 होल्डिंग सब्सिडरी, ये बात हो चुकी है, ठीक है जी। पब्लिक कंपनी कोई डेफिनेशन ही नहीं, लायक कोई डेफिनेशन नहीं है, अपनी अंतरात्मा से पूछकर ही लिखा जाता है। ये बताओ गीला कौन नहीं है, गीला, तो गीला मतलब, हाँ मतलब गीला, पानी से नहाते बारिश से भीग जाते, गीला तो गीला कौन नहीं है, जो सूखा है वो गीला नहीं है, है कि नहीं बात, और तुमसे पूछो सूखा कौन है, सूखा, जो गीला नहीं है वो सूखा है, तो यानी कि रेसिप्रोकल मामला है, उसका रिवर्स कर दो, है कि नहीं बात, तो भैया गीला कौन नहीं है, जो सूखा है वो गीला नहीं है, ऐसी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन है? जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड है। बस सस्ता नशा याद है, सस्ता नशा, वाइट रनर सूंघ के, है कि नहीं बात, राइट? और वो विक्स के डब्बों को सूंघ सूंघ के जो लेटे रहते हैं ना लोग, उड़ता पंजाब पिक्चर आए थे, छोटे सरदार जी थे वो लेटे रहते थे, ये उस तरह के लोग होते हैं, है ना, जिन्हें डेफिनेशन बनानी नहीं आती। क्या बनाए, क्या बनाए, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या बनाए भैया? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। भाई क्या है ये, तो बना क्यों दिया, यकीन नहीं आ रहा, देख लेना। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, है कि नहीं बात, राइट? सूखा कौन है, कौन है सूखा? जो गीला नहीं है। सूखा कौन है? जो गीला नहीं है, ठीक है। गुस्सा आता नहीं आता, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। एंड एंड हैज मिनिमम क्रिएटर कैपिटल एज वी प्रिस्क्राइब, जितना मिनिमम कैपिटल लाना होगा वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। अभी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, अभी आप एक रुपए से भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बेकार की बात है कि नहीं? मैं पहले कह रहा था प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझ लो, पब्लिक कंपनी की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्रोवाइड दैट कंपनी, अब सुनना ध्यान से अगली मजेदार बात, ये क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं, बात को सुनेंगे, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडियरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही मजेदार तरीके समझ में आ चुका है। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? मैंने एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 51% शेयर ले रखे हैं अंकुर प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है जी, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड में। सर मजा आ गया ये तो भैया ये कौन हुई? सर ये हो गई हमारी होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी। अंकुर प्राइवेट लिमिटेड कौन सी हो गई? सर ये कहलाई गई हमारी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सुनना ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या लिखा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ये कह रहे हैं भाई साहब, अगर सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है, जो सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है, जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, ठीक है ना, यानी कि होल्डिंग कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो यानी पिताजी, पिताजी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो बच्चा अगर प्राइवेट भी होगा, प्राइवेट भी होगा तो वो भी क्या माना जाएगा, वो पब्लिक ही माना जाएगा। अब एक बच्चा तुम्हारी तरह बहुत ही खुरापाती दिमाग का, वो कहता क्या बोल रहा है, पापा के पास गया, शर्मा जी है वो, है ना, राइट, वो कह रहा है पापा मेरे को अपना नाम बदलना है। पापा कह रहे नाम बदलना है मतलब, पापा नाम में मजा नहीं आ रहा है कि नहीं बात, राइट। अब उसका नाम है मान लो सौरभ शर्मा, वो कह रहा मजा नहीं आ रहा सौरभ शर्मा, मतलब मजा नहीं आ रहा सर। पापा को लगा फिर क्या रखेगा, विराट शर्मा, है कि नहीं बात, रख ले भाई विराट को लिखा विराट, है कि नहीं बात, महेंद्र सिंह शर्मा रख ले भाई, धोनी से इंस्पायर होकर महेंद्र सिंह शर्मा, बता रखेगा क्या, शाहरुख शर्मा रख ले, है कि नहीं बात, यूनिक भी लगेगा। कह रहा नहीं 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 पापा सौरभ में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत शर्मा में है, मतलब पापा चप्पल निकाले निकालेंगे भाई, शर्मा में दिक्कत है, मतलब पापा नाम के, नाम तो चलो वो रहने दो, कास्ट चेंज करना चाहता हूँ, क्या कर दो कास्ट चेंज, यानी कह रहा शर्मा रखूंगा मैं, अब मैं रखूंगा सौरभ रायना, सौरभ अंबानी, सौरभ टाटा, और इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता हूं सर, सौरभ गेट्स, बिल गेट्स मेरे चाचा हैं, है ना, सौरभ गेट्स, सौरभ जुगरबर्ग, मार्क जुगरबर्ग, जुगर टेढ़ा सा नाम है ना, ऐसा रखूंगा तो पापा वहीं चप्पल निकालेंगे नहीं मालेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट लॉ में कह रहे हैं, लॉ में भी यही लिखा है, लॉ में लिखा है भाई साहब नाम आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पिताजी के गुण थोड़ी बदल दोगे, पिताजी का जो नाम है यानी कि जो कास्ट है सरनेम है वो थोड़ी बदल लोगे। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला भले ही आपने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया, प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया, ठीक है, लेकिन पिताजी के गुण कौन से हैं, पिताजी के गुण है पब्लिक लिमिटेड वाले, तो बेटा अगर प्राइवेट लिमिटेड नाम चेंज कर भी ले तो गुण चेंज नहीं होंगे, सरनेम चेंज नहीं होगा। तो आप अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा रहे हैं तो हम आपका सरनेम वही मानेंगे जो पिताजी का सरनेम होगा, यानी कि अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, अंकुर प्राइवेट लिमिटेड इज ट्रीटेड एज, ट्रीटेड एज पब्लिक लिमिटेड, यानी कि
यानी कि राज की बात क्या समझ में आई? सर राज की बात ये समझ में आई पब्लिक, है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक लिमिटेड मानी जाएगी। ये बात राज की बात हिंदी में नोट करेंगे, पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडरी भी पब्लिक लिमिटेड मानी जाएगी चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। यानी क्या, प्राइवेट लिमिटेड, अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लॉकी लैंग्वेज क्या है, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज द सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड शैल ऑल्सो डीम्ड टू बी, शैल ऑल्सो डीम्ड टू बी पब्लिक लिमिटेड। बात समझ में आ गई? तो ये दिल की बात और राज की बात जरूर लिख लेना। देखो यही बात, यही लिख के जो मैंने आपको समझा दी, प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। सर क्या ऐसी कैसी लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगी बात। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी जो किसकी सब्सिडरी है, जो प्राइवेट नहीं है, यानी कि किसकी सब्सिडरी है, वो पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडरी है, शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी, यानी कि जो सब्सिडरी किसी पब्लिक लिमिटेड की सब्सिडरी है वो सब्सिडरी भी पब्लिक लिमिटेड ही मानी जाएगी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह रजिस्टर्ड क्यों ना हुई हो। इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, चाहे वो कंपनी प्राइवेट कंपनी हो, अपने आर्टिकल के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, पर वो सब्सिडरी मानी जाएगी। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा बिल्कुल ठीक है जी। बात आपको भी आ गया होगा पढ़ने में, राइट। और फिर छोटे मोटे नन्हे मुन्ने सिग्निफिकेंट पॉइंट आपके सामने है, पब्लिक कंपनी को अब कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बेइज्जती हो गई सर, है कि नहीं बात, ये है मुद्दे की बात। यस दिस इज द मेन पॉइंट, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल ऐप के थ्रू, जो मैंने आपको दिखाया ना शेयर खान जो ऐप है, मेरा ब्रोकर है, उस ऐप के थ्रू मैं एक क्लिक से शेयर बेच देता हूं, राइट, फ्रीली एनी टाइम। बस शेयर मार्केट खुली होनी चाहिए, कोई मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल नहीं होती, कोई मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल नहीं है, एक रुपए शुरू करो, मिनिमम मेंबर है 7, है ना, इसी बात का तो ध्यान रखा था सलोमन ने भी तो 7 मेंबर ऐसे जोड़े थे, खुद बीवी और 5 बच्चे, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम इनफाइनाइट, यानी कि कितने करोड़ों, रिलायंस के तो करोड़ों शेयर होल्डर हैं, और उसके बाद वो 100 करोड़ से ऊपर पूरी दुनिया में शेयर खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, कोई टेंशन वाले आते, मैक्सिमम इज नो लिमिट। आई होप आज की कहानी, आज का लेक्चर बिल्कुल मजा आ गया होगा आपके पढ़ के, जो ज्ञान आपको मिला है, राइट, उसकी पूरी पूरी रिस्पेक्ट करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैंने आपको एसआर के बना के दिए हैं वो सारे ढंग से बनाएंगे, नोटिंग करेंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक आपको पता ही करना क्या, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एग्जाम की पूरी 100 में 100 की तैयारी करते रहिए, और दुआओं में याद रखिए।